So under enzymology, basically we have to understand the mechanisms, significance, importance of the enzymes, which is reliable and useful regarding the normal metabolism of the animal. मतलब कोई भी metabolic process होती है तो उसमें enzymes की क्या role है ये सबसे important. तो इसमें मतलब इस टॉपिक के अंदर हम तो यही समझेंगे. तो जो बेसिकली एंजाइम्स कहते हैं दैट इज अ डायग्नोस्टिक मार्कर ऑफ अंडरलाइन डिजीज. अंडरलाइन सो मेनी डिजीज आर देयर, वी विल डिस्कस इट वन बाय वन. सो बेसिकली एंजाइम्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्लाज्मा में, सीरम में, या फिर किसी भी डायग्नोस्टिक टूल को, ठीक है, यूज करके वी कैन फाइंड आउट दैट वेदर द एनिमल इज हैविंग दिस टाइप ऑफ सिम्टम्स. सो द एनिमल माइट बी इन्फेक्टेड, इन्फेस्टेड, और एनी टाइप ऑफ डिजीज मे बी अकर ड्यू टू दिस रीजन. सो जस्ट इट इज अ डायग्नोस्टिक आस्पेक्ट. एंजाइम्स कैन ऑल्सो एक्ट एज रिएजेंट्स फॉर वेरियस बायोकेमिकल एस्टिमेशंस एंड डिटेक्शंस. अब बेसिकली जो तुम्हारी जो एंजाइम्स है जो कि प्लाज्मा में होती है, ठीक है, तो दैट इज ऑफ टू टाइप्स. एक तो प्लाज्मा में होती है, दूसरी एक सेल्स में होती है. तो जो प्लाज्मा में एंजाइम होती है दैट आर द फंक्शनल प्लाज्मा एंजाइम्स, दैट इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा डिराइव्ड एंजाइम्स. सो सर्टेन एंजाइम्स, प्रो एंजाइम्स एंड देयर सबस्ट्रेट्स दैट इज ऑलमोस्ट प्रेजेंट इन द नॉर्मल सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, मतलब ब्लड में तुम्हारा ये सारे चीजें होती हैं. और चूंकि ब्लड का काम जो है वो फिजियोलॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म करना है, तो इस कारण से ये जो एंजाइम्स है सारे जगह अवेलेबल होते हैं. तो एक बार जब उसको हम कलेक्ट करते हैं और जब स्पेसिफिक किट से या फिर मार्कर से उसको एग्जामिन करेंगे, देन वी कैन फाइंड दैट इफ देयर इज एनी चेंज इन द normal activity of specific cells, tissues or organs. So basically इसमें जो proenzymes, enzymes की बात जो कर रहे हैं, तो basically इसमें क्या होता है, lipoprotein होती है, ठीक है, lipoprotein lipase, pseudocholinesterase and proenzymes of blood coagulation and blood clot dissolution. तो जो majority होती है enzymes की, basically they are synthesized in the liver and they are also secreted by the liver. Okay, so these are the functional plasma enzymes. The next thing is the non-functional plasma enzymes, that is also known as cell derived enzymes. Matlab agar kisi bhi reason mein, theek hai, body ke tissues ke kisi bhi reason mein agar koi enzymes activate ho raha hai, ठीक है, तो वो एक स्पेसिफिक टाइप की चीजें बता रहा है, वो कोई लीजन नहीं बता रहा है, लेकिन उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या हो रही है इस चीज को वो बताता है. सो द प्लाज्मा दैट कंटेन्स न्यूमरस अदर एंजाइम्स एंड दे आर परफॉर्मिंग सो मेनी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस दैट आर इवन अननोन और वी कांट अंडरस्टैंड व्हाट आर दिस और वाई इट इज फॉर. जैसे बोलते हैं ना सेल डेथ होना या कुछ भी होना, है ना, नेक्रोसिस हो गया, कुछ भी होती है, तो वहां पर एक सर्टेन चेंज हो जाती है. वो जो चेंज आती है वो उस स्पेसिफिक एंजाइम से ही पता चलता है जो कि उस पर्टिकुलर ऑर्गन, टिश्यू या सेल्स से डिराइव होता है. तो दैट आर हैविंग सम प्लाज्मा. ओके, so these non-functional plasma enzymes, they emerge from the normal destruction of erythrocytes, leukocytes or any other cells. And necrosis or tissue damage that will result from any injury or might be due to any disease, that will generally accompanied by the increase in the levels of this non-functional plasma enzymes or cell-derived enzymes. मतलब कहीं भी किसी तरह की नेक्रोसिस होगी, सेल की डैमेज होती है
आइदर एजिंग से हो या फिर किसी इन्फेस्टेशन से हो या इन्फेक्शन से हो, तो वहाँ पर जो सेल्स पे तो उसके सराउंडिंग्स में जो भी प्लाज्मा है दैट विल एक्यूमुलेट एंड फ्लो टुवर्ड्स यूनिडायरेक्शनल. ठीक है, तो उस प्लाज्मा कंडीशन से वी कैन हैव अ पिक्चर दैट दिस एनिमल माइट बी हैविंग सम नेक्रोसिस और एनी डैमेज इन देयर टिश्यूज. Now, when we will looking forward towards the mechanism that how this serum level will get increased. So, इस चीज को समझने के लिए we have to focus on certain points. Like, it may be increased. The release of serum may be increased due to any cell necrosis or necrosed cell. Okay. That will lead to secrete some more plasma from the cells. Next will be the increased permeability of cell without cross cellular damage. मतलब cell की जो permeability है वो बढ़ जाएगी, लेकिन जो cellular damage है वो नहीं है. ठीक है, उससे वो नहीं, जो हो चुका है लेकिन cells की जो permeability बढ़ेगी उससे कोई दूसरा cellular damage नहीं होना है. The third point is increased production of enzyme within the cell, and that will result in increase in serum by overflow. ठीक है, जैसे भी कोई necrosis होगी तो वहाँ cell का death होगा और जितने भी आपके leukocytic factors हैं वो active हो जाएंगे और stimulate होने पे plasma की वहाँ requirement ज़्यादा होगी. ठीक है, चूँकि कुछ debris हैं जिन्हें कह सकते हो कि certain space पे भेजना होगा, वहां से मैंने उसको क्लीन एंड वॉश करना होगा, जिस कारण से एंजाइम का प्रोडक्शन ज्यादा होगा और फ्लो भी बढ़ जाएगा. द नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग इंक्रीज रिलीज इज इंक्रीज इन टिश्यू सोर्स ऑफ एंजाइम्स एज इन मैलिग्नेंसी. मतलब अगर नॉर्मल जो कैंसर का फॉर्म जो कहते हैं हम लोग नेक्रोसिस में, तो उसमें भी जो टिश्यू का सोर्स जो होता है वो एंजाइम के कारण चूंकि फ्लो में आती है तो वो भी बढ़ जाती है. नाउ अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट द इम्पेयर्ड डिस्पोजिशन, तो इम्पेयर्ड डिस्पोजिशन मतलब इंक्रीज लेवल्स इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, चूंकि ये कहीं ना कहीं क्लीन होने के लिए फिल्टर होने के लिए आपके हिपेटिक सिस्टम में जाती है ना, लीवर में आती है, तो वहां पर क्या होता है एक तरह से ऑब्स्ट्रक्टिव ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है बहुत सारे सेल्स का और प्लाज्मास का. ठीक है, तो दे विल मेक आउट अ कंडीशन, पैथोलॉजिकल कंडीशन, दैट इज अ फिजियोलॉजिक पैथोफिजियोलॉजिक कंडीशन, दैट इज अ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस. ठीक है, और तीसरा हो सकता है, दूसरा हो सकता है फिर रिनल फेल्यूर. ठीक है, चूंकि जब कहीं पर एक बहुत ज्यादा जैसे कहो डेब्रीज अगर जमा होने लगेगा तो एक्सक्रेटरी सिस्टम को भी अफेक्ट करेगा एंड दे मेक आउट द फेल्यूर ऑफ रिनल सिस्टम. ठीक है, दूसरी बात करते हैं डिक्रीज सीरम लेवल की. ये तो इंक्रीज सीरम लेवल था, अब ये डिक्रीज सीरम लेवल क्या है? डिक्रीज फॉर्मेशन माइट बी द सीरम लेवल फॉर द डिक्रीजन मे बी ड्यू टू सम जेनेटिक और एक्वायर्ड ट्रेट्स. ठीक है, मतलब जेनेटिक एस्पेक्ट अगर किसी चीज का है, जैसे उसका जेनेटिक मेकअप ही है कि हाँ ये होना है, मतलब ये नॉर्मल है, तो अगर या फिर एक्वायर्ड है कि अगर इससे पहले उसने एनिमल ने गेन कर रखा है कि हाँ मेरी प्रोजेनी में अगर इस तरह की कोई चीजें हुई तो वो नॉर्मली एक्सक्रीट आउट हो गई है, तो ये जेनेटिक या एक्वायर्ड ट्रेट रहेगी तो वहाँ जो सीरम लेवल है किसी भी नेक्रोसिस होने पे बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं होगा. ठीक है, दूसरी है मैंने बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा. दूसरी चीज है एंजाइम इनहिबिशन. अब देख सकते हो कि ये जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है, अगर किसी एक एंजाइम में कोई एक्शन हो रहा है तो दैट विल लीड टू इंक्रीज और डिक्रीज सम सॉर्ट ऑफ अदर एंजाइम्स. तो अगर जेनेटिक और एक्वायर्ड टाइप की कोई चीजें हैं, ट्रेट्स हैं किसी एक स्पेसिफिक एनिमल, तो वो क्या करेगी, एंजाइम का इनहिबिशन करता है जिसके कारण सीरम लेवल डिक्रीज होता है. या इसको दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि
किसी एक चीज के बढ़ने से दूसरा चीज इनहिबिट हो जाता है, ठीक है, एक एंजाइम के बढ़ने से दूसरा एंजाइम इनहिबिट हो गया, मतलब वी कैन कंट्रोल दैट पर्टिकुलर एंजाइम। तीसरा है लैक ऑफ कोफैक्टर्स, जैसे अभी आगे क्लास में भी और बताएंगे स्लाइड्स में कि जैसे किसी भी फैक्टर का कोफैक्टर होता है, ठीक है, तो अगर स्पेसिफिक किसी स्पीसीज में या फिर कोई एनिमल में, इंडिविजुअल में अगर कोई फैक्टर मिसिंग है किसी कारण से, दैट मे बी ड्यू टू न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, क्लाइमेटिक एस्पेक्ट, एनी एस्पेक्ट, जीनेटिक एस्पेक्ट, इट मे बी एनी एस्पेक्ट, तो वहां जो सीरम का लेवल है दैट विल बी चेक्ड, ठीक है। सो लैक ऑफ कोफैक्टर इज ऑल्सो एज मच एसेंशियल। अगर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की हम बात करें तो सिंगल और सीरियल एसे ऑफ सीरम एक्टिविटी ऑफ ए सिलेक्टेड एंजाइम, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस का मतलब है कि सिंगल और सीरियल एसे ऑफ सीरम एक्टिविटी ऑफ अ सिलेक्टेड एंजाइम, वो इसमें क्या चीज होगी, दैट विल हेल्प इन मेकिंग द डायग्नोसिस और अर्ली डिटेक्शन ऑफ अ डिजीज। क्योंकि क्लिनिकल एस्पेक्ट हम उसी को कहते हैं कि अगर कोई एक परेशानी हो रही है, किसी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है, कोई भी एक सिम्टम दिख रहा है, तो वो क्या करता है, मतलब स्पेसिफिक कोई रीजन है तो उसको वो डिटेक्ट करता है, ठीक है, तो वो चीजें जितनी जल्दी होंगी उतनी जल्दी वो चीज समझ में आएंगी, है ना, देन वी कैन हैव अ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर दैट ऑब्स्ट्रक्शन और फॉर दैट एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है, तो सीरम के थ्रू वी कैन हैव। द सेकंड थिंग इज डिटरमाइनिंग इन प्रोग्नोसिस ऑफ अ डिजीज। अब तो ये अर्ली डिटेक्शन हो गई कि भाई चलो कोई भी एक स्पेसिफिक, मान लो एक ट्यूमर का कंडीशन, ठीक है, कोई भी नेक्रोसिस हो रही है, तो इफ द पेशेंट इज हैविंग सम ट्यूमर लाइक ग्रोथ, तो अगर एक बार ग्रोथ हो रही है तो वो मैलिग्नेंट है कि कंटिनेंट है, वी कैन हैव दैट, इसके बाद उसका प्रोग्नोसिस कर सकते हैं कि किस लेवल पे है ना, कितना इससे एनिमल को हार्म हो रहा है, वो रिगार्डिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी हम लोग करके देख सकते हैं कि इसके दूसरे ऑर्गन पे, दूसरे सिस्टम पे कितना इफेक्ट हो रहा है। थर्ड थिंग इज हेल्प्स इन फाइंड आउट द रिस्पॉन्स टू ड्रग्स इन अ डिजीज। कहने का मतलब है कि जब हम हमने मतलब कोई डिटेक्शन कर लिया या प्रोग्नोसिस कर लिया किसी डिजीज के लिए, तो उसके अगेंस्ट कुछ ड्रग्स का ट्रायल कर सकते हैं और उसकी सेंसिटिविनेस निकाल सकते हैं कि किस ड्रग से ये ज्यादा सेंसिटिव है, ठीक है, और उसको एज इट इज हम वी कैन हैव अ चॉइस ऑफ ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दैट स्पेसिफिक डिजीज। लास्ट पॉइंट है हेल्प इट एस्टिमेटिंग द टाइम कोर्स ऑफ डिजीज। मतलब एक बार जब सारी चीजें लाइन पे आ गई, हमने समझ लिया कि ट्यूमर है, किस टाइप की ट्यूमर है, मैलिग्नेंट है, बिनाइन है ना, किस स्टेज पर है, इसकी चॉइस ऑफ ड्रग ये है, तो जब ये हम समझ ले हैं तो उसके बाद वी कैन हैव क्लियर पिक्चर दैट इन हाउ मेनी डेज वी कैन ट्रीट दैट एनिमल, ठीक है। तो दीज आर द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द सीरम एक्टिविटी रिगार्डिंग एनी एंजाइमेटिक एक्शन। अब जैसे इसी के एग्जाम्पल पे थे एंजाइम्स दैट एक्ट्स एज डायग्नोस्टिक मार्कर्स, ठीक, तो बेसिकली दीज आर द एस्टिमेशंस व्हिच हेल्प्स इन द डायग्नोसिस ऑफ सो मेनी थिंग्स। द वेरी फर्स्ट थिंग वी कैन से मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मतलब अगर हार्ट के मसल्स में या टिश्यूज में या सेल्स में किसी तरह की कोई भी अगर उसमें इन्फेक्शन है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन है, तो देन वी कैन हैव दिस क्लियर पिक्चर आफ्टर गेटिंग सम एंजाइमेशन एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ठीक है, एंजाइम की जब हम एक्टिविटी देखते हैं तो वी कैन हैव अ क्लियर पिक्चर। लाइक लीवर डिजीज, अगर किसी तरह की कोई हिपेटिक कंडीशन है तो उसमें भी वी कैन हैव अ क्लियर पिक्चर कि चॉइस ऑफ ड्रग क्या होना चाहिए, है ना, और किस आस्पेक्ट तक ये परेशानी। सेम लाइक मसल डिजीज,
bone disease, cancer और GI tract diseases. इन सारे डिजीज में या फिर conditions में अगर हम सही से उनकी स्पेसिफिक एंजाइम्स की एक्टिविटी को समझ लें, ठीक है, कि दीज आर द बेसिक एंजाइम्स विच आर हैविंग सम रिलेवेंट एक्शन ऑन दैट स्पेसिफिक टिश्यू और ऑर्गन. तो जब एक बार हमें पता हो गया तो उस चीज को रीड करके प्रोग्नोज करके वी कैन हैव अ अर्ली डिटेक्शन ऑफ एनी टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन और डिजीज. देन वी कैन ट्रीट द एनिमल एज द सेम. तो ये तो एक नॉर्मल कंडीशन हो गई, ठीक है, मतलब ये जनरल कंडीशन हो गई. अब यहाँ है सीरम एंजाइम्स इन एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन. मतलब मायोकार्डियल इन्फेक्शन को लेके चलते हैं, अगर एक्यूट कंडीशन होगी तो क्या होगा. तो उसमें बेसिकली जो एंजाइम्स जो है जो रूटीनली असर करते हैं, दैट आर द क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज, एस्पार्टेट ट्रांसमिनेज और लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज. तो ये बेसिकली जो तीन एंजाइम की एक्टिविटी है, अगर इनको हम रीड कर ले सही से तो कैन हैव अ क्लियर पिक्चर दैट कि अगर किसी भी तरह का उसमें एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन है तो हार्ट को हम चेक कर सकते हैं. अभी प्रेजेंटली जो ये तो बहुत दिनों से चली आ रही है, ठीक है, लेकिन प्रेजेंटली जो एक्सेप्टेबल बायोकेमिकल मार्कर्स है स्पेशली फॉर द इस्केमिक कंडीशन, तो दैट आर मायोग्लोबिन, CKMB एंड टोटल CK एंड कार्डियक ट्रोपोनिस, दैट इज T&I. अब जैसे देख सकते हो इन सब को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है. मायोग्लोबिन मतलब जो प्रोटीन्स हैं मसल्स में, ठीक है, जो भी ग्लोबिन मॉलिकल्स हैं उनको अगर हम समझ लें, ठीक है, तो उसमें जो एंजाइम्स है उसके एक्टिविटी से क्लियर कर सकते हैं. ये जो क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज, स्पॉटेड ट्रांसमिनेजेस हैं और लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज हैं, ये एक कंडीशन बताती है. लेकिन जब एक्यूट कंडीशन में होगी तो दीज बायोकेमिकल मार्कर्स आर ऑफ रिलेवेंट एस्पेक्ट. तो मायोग्लोबिन हो गई, फिर तुम्हारी CKMB, टोटल CK और कार्डियक ट्रोपोनिन T&I. तो जब CK और CKMB की बात करते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज क्रिएटिन काइनेज, CK एंड CPK, ठीक है. तो बेसिकली ये क्या है, दीज आर द एंजाइम्स विच आर फाउंड प्राइमरली इन द हार्ट एंड स्केलेटल मसल्स और अप टू कुछ एक्सटेंट तक ब्रेन में भी ये पाई जाती है. सिर्फ जो नहीं पाई जाती है दैट आर द विसरल ऑर्गन्स, दैट इज लीवर एंड किडनी. यहाँ पर ये क्रिएटिन काइनेज नहीं रहती है बहुत, ठीक है. तो बेसिकली ये क्या करती है, दिस कैटालाइजेस द ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट बिटवीन क्रिएटिन एंड ATP. चूंकि ATP की रिक्वायरमेंट हमें हमेशा होती है किसी भी सेलुलर एक्टिविटी को करने के लिए, तो उसके लिए क्रिएटिन फॉस्फेट की भी एज सच रिक्वायरमेंट होती है. बिकॉज ये जो क्रिएटिन फॉस्फेट है वहां से अलग होकर एक फॉस्फोरस देती है जो कि ATP के साथ मिलकर ATP बनाती है, ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ATP के साथ मिलकर ATP बनाती है, इसलिए इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड. तो इस चीज को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस विल प्रोवाइड द रैपिड रीजेनरेशन ऑफ ATP वेन एवर देयर इज लो कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जीज देयर. सो क्रिएटिन फॉस्फेट दैट इज रीजेनरेटेड when ATP is abundant. अगर बहुत ज्यादा ATP है तो we can have the creatine phosphate. और जब creatine phosphate या kinase है आपके पास तो we can have the reaction with these inorganic phosphates with ATP to get some ATPs. That is the energy form. तो after myocardial infarction उसमें क्या होता है, जो serum value होती है that is found to increase within 3 to 6 hours. और वो अपना एक पीक जो है वो अटेंड करता है आफ्टर 24 to 30 hours, ठीक है, और रिटर्न बैक हो जाता है 2 से 4 दिनों में. तो मतलब ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन अगर हुआ, ठीक है, सीरम वैल्यू जो है ऐसे बढ़ेगी 3 से 6 घंटे में,
पीक हो जाएगी अपना मतलब एक 24 टू 30 आवर्स में, देन अगेन इट विल बैक रिटर्न टू नॉर्मल लेवल इन 2 to 4 डेज। तो ये जो साइकिल है नॉर्मल मायोकार्डियल इन्फेक्शन की है। तो इस ड्यूरेशन में व्हेन वी विल कंडक्ट एनी एंजाइमेटिक एक्टिविटी देन वी हैव अ क्लियर पिक्चर रिगार्डिंग द मायोकार्डियल इन्फेक्शन। नॉर्मल वैल्यू जो कहते हैं सीरम एक्टिविटी की, दैट वेरीज फ्रॉम 10 टू 50 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर एट 30 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज जो क्रिएटिन काइनेज जो है दैट इज अ सेंसिटिव इंडिकेटर इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ मायोकार्डियल इस्केमिया। हार्ट की कोई भी कंडीशन होगी तो उसमें जो क्रिएटिन काइनेज है या क्रिएटिन फॉस्फेट है वो सबसे पहले मतलब वी कैन आइडेंटिफाई एंड अर्ली डायग्नोसिस कैन बी मेड। सो नो इंक्रीज इन एक्टिविटीज फाउंड इन हार्ट फेल्यूर एंड कोरोनरी इनसफिशियंसी। मतलब अगर किसी तरह की ब्लड सर्कुलेशन से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो उससे उसमें इसकी सीके की लेवल का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, रादर देन इनसफिशियंसी ऑफ ब्लड, तो द लेवल ऑफ दिस क्रिएटिन काइनेज और फॉस्फेट विल बी द सेंसिटिव इंडिकेटर। लाइक एक्यूट केस जब होती है मायोकार्डियल इन्फेक्शन की तो उसमें जो क्रिएटिन फॉस्फेट काइनेज है दैट यूजुअली राइजेज फास्टर देन SGO2 एंड रिटर्न्स टू नॉर्मल फास्टर देन द SGOT, ठीक है। मतलब ये तुम्हारी जो SGOT और SGPT की जो लेवल कहते हैं ना, जो एलानाइन ट्रांसमिनेसिस है, इनकी लेवल नॉर्मल लीवर किडनी या हार्ट में बढ़ती है, ठीक है, लेकिन बेसिकली SGOT और SGPT जो एलानाइन ट्रांसमिनेसिस की बात करते हैं दैट विल मूव टुवर्ड्स द एनी डिफिकल्टी इफ वी हैव वी आर गेटिंग द लीवर और किडनी, लेकिन मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्रिएटिन फॉस्फेट फॉस्फोकाइनेज इज द अल्टीमेट थिंग बाई विच वी कैन हैव अन एस्पेक्ट ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अब जैसे हम लोग बात करते हैं क्रिएटिन काइनेज या क्रिएटिन फॉस्फेट काइनेज की एज आइसो एंजाइम्स, ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो कि बेसिकली दीज क्रिएटिन काइनेज और फॉस्फोकाइनेज हैविंग 3 आइसो एंजाइम्स, 3 आइसो एंजाइम्स होती है। इसके बाद दे कैन मेजर दीज वैल्यूज इन द प्रेजेंस ऑफ एलिवेटेड लेवल्स ऑफ CK और CPK टू डिटरमाइन द सोर्स ऑफ द एलिवेशन। मतलब अगर कोई सोर्स है तो ये कितना है और कहाँ से आया है, ठीक है, वी कैन हैव दिस पिक्चर। बेसिकली जो आइसो एंजाइम होती है वो एक डाइमर होती है, ठीक है, एंड दैट कंसिस्ट ऑफ कंपोज्ड ऑफ 2 प्रोटोमोर्स। एक तो M हो गई, दैट स्टैंड्स फॉर मसल्स, एंड सेकेंड जो होगी B फॉर ब्रेन। तो ये जो आइसो एंजाइम्स होती है दे कैन बी सेपरेटेड बाई इलेक्ट्रोफोरेसिस और बाई आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, ठीक है।